हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल निधि मॉम एंड फूड। और पहले तो आप सबको राखी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी राखी है तो बच्चों का भी स्कूल में कंपटीशन चल रहा है कि राखी कैसे बनाएं, तो हमें आज आपको बताऊंगे कि होममेड राखी कैसे बनानी है हमें, वो भी ऐसी चीज़ों से जो हमारे घर पर ही पड़ी है, हमें बाहर से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम घर पर ही बना रहे हैं, तो मैंने ये मैदा ले लिया है, तो ये 2 चम्मच मैदा हो गया और 1 चम्मच और डाल देती हूँ, 3, और ये 4 चम्मच मैदा ले लिया है हमने। अभी हमने जितना मैदा लिया है उसका आधा हमें नमक लेना है, तो ये 4 चम्मच मैदा लिया है तो हम ये 2 चम्मच भर के नमक डालेंगे उसमें। तो ये हो गए हमारे 2 चम्मच नमक। अभी हमें इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है, फिर इसमें हमें ऑयल मिलाना है। ऑयल आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हो, और अगर ये हेयर ऑयल है तो आप ये भी ले सकते हो। मैं बादाम वाला ऑयल ले रही हूँ, बादाम आलमंड। तो मैं ये 3 चम्मच ऑयल ले रही हूँ, ये 1 चम्मच हो गया, 2 और ये 3। मम्मी, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अभी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें आटा गूंद लेना है। इसका पानी एक साथ नहीं डाल देना है आपको, बस थोड़ा थोड़ा करके मिलाना है। आपने वैसे तो बहुत सारी ऐसी होममेड राखी बनाई होगी, लेकिन ऐसे जो क्ले से बनाते हैं वो नहीं बनाई होगी, तो आज मैं आपको वो बना के दिखाती हूँ। बस आपको इतना ही पानी मिलाना है, ज़्यादा नहीं मिलाना है। इसको भी अच्छे से इसका एक ऐसे आटा जैसे बॉल बना लेना है इसका। तो अभी देखिए, आपने हमें अच्छे से ये बना दिया है क्ले की तरह। तो अभी इसको हमें 4 भाग में डिवाइड कर लेना है। आप देख सकते हो, इसको अच्छे से मसल लेना है और फिर इसको सिलेंडर से दे देना है। अभी इसको हम 4 भाग में डिवाइड कर लेंगे। और अभी इस चारों में हम अलग अलग कलर मिला देंगे, तो इसके लिए हमने वाटर कलर का यूज़ किया है। तो सबसे पहले मैं ये येलो वाला कलर इसमें मिला देती हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करना है, इसमें ये पूरा अपना कलर पकड़ ले। तो अभी हमने जो डिवाइड कर दिए थे 3 पार्ट में, उसमें हमने कलर भी मिक्स कर दिया है। तो सबसे पहले हम ग्रीन कलर लेते हैं और उसको आपको इस तरह से जो फ्लावर का शेप देते हैं वैसे ही बना लेना है। अगर आपको ज़रूरत लगे तो थोड़ा सा जो मैंने एक कटोरी में पानी लिया है उसमें से आप उंगली गीला कर सकते हो। छोटे छोटे, एकदम छोटे छोटे से आपको, जैसे हम लुई बनाते हैं ना वैसा, लेकिन एकदम छोटा छोटा सा ही लेना है। अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देंगे इसी में से, फिर इसमें से हम एक छोटी छोटी सी पंखुड़ियाँ बनाएंगे, क्योंकि हम फ्लावर का शेप दे रहे हैं तो पंखुड़ियाँ बनाना ज़रूरी है। तो हम, आप देख रहे हो, ये छोटी सी पंखुड़ी बनाई है हमने। बस ऐसे आपको
उंगली से दबा देना है और उसका जो नोक जैसा बना लेना है, तो ये पंखुड़ी के शेप में आ जाएगी। पहले हम सारे ग्रीन कलर की पंखुड़ियाँ बना के रख देते हैं एक साइड में। बस ऐसे ही बनाते जाना है आपको। तो अभी हमने जो ये ग्रीन कलर की जो पंखुड़ियाँ बना ली थी, उसको हम ऐसे गोल गोल शेप में फ्लावर की तरह चिपका देते हैं। आप देख रहे हो कि एक एक पंखुड़ी को आपको ऐसे चिपकाना है, तो कितना अच्छा रोज का शेप लग रहा है हमें। तो अभी हमने ग्रीन सर्कल पूरा बना लिया था, तो अभी जो हमने व्हाइट कलर लिया था, जो हमने बनाया था उसमें कलर नहीं मिलाया था, और जो एक पोर्शन हमने व्हाइट रखा था उसी में से भी हम ऐसे पंखुड़ियाँ बना के चिपका देंगे। और अभी बचा है हमारा ये ऑरेंज कलर, तो हम ऑरेंज कलर में से भी छोटी छोटी लुई लेके पंखुड़ियाँ बनाएंगे और उसको भी सेम वैसे ही चिपका देंगे। तो अभी हमारा ये 3 कलर का फ्लावर बनकर रेडी है राखी के लिए। अभी इसको हम बीच में एक मोती चिपका देंगे, पर्ल्स, जिसकी वजह से और सुंदर लगेगी। और बस अभी इसको हम थोड़ी देर ये पेपर पर रख देते हैं ताकि ये अच्छे से सूख जाए, फिर हम इसमें बांधने के लिए धागा लगाएंगे। अभी इसको थोड़ी देर सूखने देते हैं। तो अभी ये फ्लावर सूख चुका है, तो हमने एक सुई धागा ले लिया है और इसमें हमने ये जो ऊन होता है ना, वही हमने यूज़ किया है। तो आपको एकदम धीरे से, आप देख रहे हो ये हमने धागा पार कर लिया है। बस अभी इसमें थोड़ी कमी है सूखने में, लेकिन एकदम सूख जाएगा तो फिर ये धागा हम नहीं निकाल पाएंगे, इसीलिए हमने आधा सूखा है तो उसमें से ये धागा पार कर लिया है। अभी इसको अच्छे से सूखने देते हैं। तो बस हमारी ये राखी बन के रेडी हो चुकी है। अभी इसको थोड़ा अच्छे से सूख जाने देते हैं, फिर दिखाते हैं आपको बाद में। तो अभी हम एक और दूसरे स्टाइल की राखी बना रहे हैं, जो हम ऊन से बनाएंगे। तो इसके लिए पहले हम एक पॉम्पॉम बनाएंगे। तो हमें ये कांटा ले लेना है, जो हम मैगी खाते हैं वो, और उसमें एक गांठ लगा लेनी है। और गांठ लगाने के बाद आपको 80 बार इसको ऐसे घुमाना है, 8080। बस इसको फटाफट ऐसे घुमाते जाइए। तो अभी हमने जो 80 राउंड्स आपको लगाने थे वो लगा दिए हैं। और एक छोटा सा धागे का टुकड़ा लेना है और उसको पार करके एक गांठ लगानी है आपको बीच में। तो आप देख रहे हो मैंने गांठ भी लगा दी है बीच में। गांठ अच्छे से टाइट लगानी है, नहीं तो अगर छूट जाएगी तो पूरा ख़राब हो जाएगा। और आपको धीरे से वो कांटा निकाल लेना है उसमें से। तो आप देख रहे हो एक पूरा गोल शेप बन चुका है। अभी इसका हमें पॉम्पॉम बनाना है, तो हम इसको कैंची से कट करेंगे। जो एक्स्ट्रा धागा है उसको भी कट कर लेना है। और ये जो पूरा गोल बना है उसको आपको बीच में से पूरा गोल गोल घुमा के कट कर लेना है। तो ये मैंने पूरा कट कर लिया है इसको गोल घुमाकर। जो पूरा फ्लावर शेप था वो पूरा अलग हो चुका है, तो आप देख रहे हो। बस अभी ये जो बन चुका है उसको आप थोड़ा सा और कट करना चाहो तो कट कर सकते हो, जो आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है। तो एकदम अच्छे से शेप में आ जाएगा ये। तो मैं जो एक्स्ट्रा है वो कट कर लेती हूँ थोड़ा थोड़ा। तो हमने ये जो पॉम पॉम बनाया था उसके ऊपर हमने फेविकॉल से एक मोती चिपका दिया है, और हमने सुई में ये जो धागा पिरो दिया है वो भी हमने ये ऊन वाला ही लिया है। तो उसमें हम कुछ मोती पिरोएंगे पहले। और ये मोती आपको नए खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपकी कोई साड़ी या कोई सूट या कोई भी ड्रेस के ऊपर अगर ऐसे मोती होते हैं तो
वो भी हम पुराना है तो उसमें से वो भी निकाल सकते हैं, तो हमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं खरीदनी इसके लिए। और बाज़ार की रेडीमेड राखी से तो हमारी ये होममेड राखी बहुत अच्छी बनने वाली है। तो हमने पूरा पिरो दिया है मोती को उसके अंदर, तो हमने ये मोती डाल दी है धागे में और ये पम्पम जो बनाया था उसमें से सुई को भी पार कर दिया है। और जैसे हमने इस साइड पे लगाए हैं मोती, हमको दूसरे साइड भी वैसे ही लगाने हैं। तो अभी हमारी ये दूसरी वाली राखी भी बनके तैयार है। हम पम्पम बनाने के बाद हमने दोनों साइड सुई धागे से ये मोती पिरो दिए हैं और बीच में एक और मोती हमने लगा दिया है फेविक से। आप देख सकते हो कितनी सुंदर बनी है। तो अभी हम ये तीसरी राखी बना रहे हैं, उसके लिए हमने एक पट्टी ले ली है। ऐसी पट्टी जब हम कोई गिफ्ट लाते हैं तो उसके पैकिंग, तो हमने इसे फेविक्विक से पट्टी को चिपका दिया है और हमने सुई और ये धागा ले लिया है, जिसे हमें नीचे से इसको पम्पम जो बनाए हैं उसके साथ इसको क्रॉस करके लेना है और बस उसको ऐसे छोटी सी गांठ लगा देनी है। और लाइट का इश्यू आ रहा है तो आपको ऐसे दिख रहा होगा, बस ऐसे हल्के से गांठ लगा लूँगी मैं और जो एक्स्ट्रा धागा बचेगा उसको हम कट कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा है उसको आप कट कर लो फटाक से। बस तो आप देख सकते हो हमारी ये वाली राखी भी बनके रेडी है। अच्छे से आपको चिपका देना है। तो हम अभी ये चौथी राखी बना रहे हैं, तो इसके लिए मैंने एक पेंडेंट ले लिया है। जो हम नेकलेस लाते हैं ना उसमें पेंडेंट आता है, तो जो टूट चुका था वो मैंने लिया है और उसके ऊपर मैंने फेविक्विक लगा दिया है ढेर सारा। और उसके ऊपर जो ये रेड कलर का जो ग्लिटर है वो छिड़कना है आपको, तो ये पूरा चिपक जाएगा इसके ऊपर। जो एक्स्ट्रा है वो आपको ऐसे ही गिरा देना है और जितना चिपकेगा उतना ही। देख रहे हो आप, ये हार्ट शेप का पेंडेंट है जिसके ऊपर मैंने चिपकाया है। ये चिपक के पूरा रेडी है। तो जो हमने ये ग्लिटर चिपकाकर जो पेंडेंट रेडी किया था उसको हमने ये धागा ले लिया है और आसपास तीन तीन मोती चिपका दिए हैं। आप देख रहे हो एक और हमारी राखी बन के तैयार है। तो हमारी चारों राखी बनके रेडी है। ये हार्ट शेप वाली राखी है जो देखिए, देख रहे हैं आप कितनी सुंदर लग रही है। और ये हमने जो पॉम्पम बना के जो बनाई थी कुछ मोती पिरो कर वो वाली राखी है, वो भी बहुत बढ़िया लग रही है। और ये तीसरी है जो मैंने सूट पर से उस वो फ्लावर का शेप वाला डिज़ाइन था वो कट कर लिया था, उस पर पॉम्पम लगाया था, तो ये वो वाली। और ये लास्ट जो तिरंगा होता है वही कलर मैंने पसंद किए हैं, ऑरेंज वाइट एंड ग्रीन, उसको एक फ्लावर शेप दे दिया है और उसकी उसी में राखी बना ली है। तो मेरी चारों राखी रेडी है। तो फ्रेंड्स मैंने इतनी राखी बनाई है, अभी आपको कौन सी राखी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके बाय।